लव मैरिज यानी सोसाइटी में कॉन्स्टिपेशन, और इंटरकास्ट लव मैरिज मतलब दंगे, काट डालेंगे, अरे मार डालेंगे लड़का लड़की को। और देखो, मैं और मेरा भाई बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सिंपल थे। ये इसने मुझे फंसाया है। हाँ मतलब देखो, मैं कुछ नहीं जानती थी, इसे सब कुछ पता था। देखो, रात को 12 बजे खाना कहाँ मिलता है, लड़कियों के अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, पता है। इसी ने मेरा फेसबुक अकाउंट खोला था। मुझे तो इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा ईमेल आईडी भी इसी ने खोल के दिया था, जीमेल पे और हॉटमेल पे। शादी के दिन में तुम्हें पार्टी आती है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो शादी। पहले मेरी दादी को इस पे और मेरे भाई पे शक था, फिर मैं पिक्चर में आ गई तो फिर सब क्लियर हो गया। मतलब मेरे आने से इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। मुझे एक स्टेटस अपना मेंटेन करना था, इसके लिए मैंने लव किया। इसके पॉकेट में पैसे भी नहीं होते थे। आई एम एडिंग टू हिज ओवरऑल स्टेटस, मतलब इतनी ब्यूटीफुल वाइफ, बच्चे अभी नहीं, हमारा सब कुछ प्लान्ड है। प्लानिंग के मुताबिक के लिए यहाँ पर आई, फिर लव किया। No compulsion of making tea and no. Benefits of love marriage actually not. Actually not. बाटा पे ब्रांड कैसे बोलते हैं? मतलब देखो, हमारे गांव में ना, मोहल्ले में कहीं पे भी चौराहे की दुकान पे बाटा के शूज मिलते थे। मतलब ये जना कहते बाटा इज अ ब्रांड, अ लव ब्रांड। दूसरों के सामने तो मत करो यार। क्या दूसरों के सामने कैसे बोलते? अबे कट यार, कट कट। ठीक है। आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे।